भारत देश के विशालकाय पर्वतीय क्षेत्र प्रकृति का अद्भुत नजारा ही है। नदियों के चारों ओर हरे भरे वृक्ष होना, चारों ओर कई तरह के पशु पक्षी की आवाजें, यह सब हमें प्रकृति के करीब लाता है और प्रकृति की सुंदरता को दिखाता है। दोस्तों, प्रकृति की इसी सुंदरता की खोज में हम निकल पड़े थे मैक्लुस्की गंज की ओर। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, चलो बेरिए आशी। अगर आपने मैक्लुस्की गंज पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और प्लीज दोस्तों, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। सुंदर रूप इस धरा का, आंचल जिसका नीला आकाश, पर्वत जिसका ऊंचा मस्तक, उस पर चांद सूरज की बिंदियों का ताज, नदियों झरनों से छलकता यौवन, सतरंगी पुष्प लताओं ने किया श्रृंगार, खेत खलिहानों में लहलहाती फसलें, बिखराती मंद मंद मुस्कान, हाँ यही तो है इस प्रकृति का स्वच्छंद रूप, प्रफुल्लित जीवन का निश्चल सार। मैक्लुस्की गंज एक छोटा सा पहाड़ी शहर जहां की सुंदरता ने हम सभी को लुभाया। स्लोली इट इज ग्रोइंग एज वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन झारखंड। मैक्लुस्की गंज रोड के अलावा रेल से भी कनेक्टेड है, पर यहाँ बहुत ही कम गाड़ियाँ रुकती हैं। ये रेलवे स्टेशन आज भी पुराने रेलवे स्टेशन जैसा ही दिखता है। मैक्लुस्की गंज में घूमने के स्पॉट्स तो काफी हैं, जैसे कि सीताकुंड, दामोदर नदी, डेगा डेगी नदी, जागृति विहार, वॉच टावर, नकटा पहाड़, पर्यटक सूचना केंद्र और सर्वधर्म स्थल। सर्वधर्म स्थल हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। इट्स 5:45 AM and the morning is blissful. चारों तरफ कोहरा और मौसम काफी ठंडा। हम एक छोटे बाइक ट्रिप पर निकल पड़े टू ब्रीद इन द फ्रेश एयर। ये धरा, ये हवा, ये गगन, ये पवन, सब हैं प्रकृति के ही फूल। इनका एहसास ही है जीवन की खुशबू और जिंदगी का मूल।
दिस इज द डाक बंगलो, और इसकी हालत को देखकर लगता है कि ये काफी दिनों से बंद पड़ा है। ये है पर्यटक सूचना केंद्र, और हमें जानकारी मिली कि यहाँ काफी मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है। एंड यस, बिफोर आई मिस, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द मूवी डेथ इन द गंज बाय कोंकणा सेन। दिस इज द सेम प्लेस एक्लूस की गंज वेयर द एंटायर मूवी वॉज शॉट। हाउएवर, we headed towards our next destination, Nakta Pahad. It is a trail of 25-minute trekking to reach the top of the hill, and the view, as you can see, is stupendously fabulous. बट दोस्तों, ये ट्रैक आसान नहीं है। लेट मी शेयर सम ऑफ द पिक्स ऑफ द ट्रैकिंग ट्रेल। And now it was time to return from Nakta Pahar. What best can it be to enjoy a hot tea and some snacks on a roadside dhaba while the cold breeze brings the fragrance of a rural India to us? तो चाय के बाद हम थोड़ी देर वहीं रुक गए, थोड़ी मस्ती की और कुछ फोटोज क्लिक किए। ऐसा लग रहा था जैसे हम वापस अपने बचपन में लौट गए हैं। We all had our breakfast, and after playing a bit with a kitty at the guest house, we headed further for exploration. Here you can see an 80-year-old church with beautiful architectural touch. The church was closed on that particular day. However, we got to know that people still come here for Sunday Mass. कुछ समय बिताने के बाद हम निकल पड़े अपने अगली और इस सफर की आखिरी डेस्टिनेशन की ओर। पंद्रह मिनट के ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट स्पॉट। Thank you.
यह नदी डेगा डेगी के नाम से मशहूर है। दरअसल डेगा डेगी चट्टी नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये मैक्लूस्कीगंज का एक बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट भी है। पिकनिक स्पॉट होने के कारण जनवरी में यहाँ काफी भीड़ दिखाई पड़ती है। यहाँ का वातावरण काफी प्लेजेंट है। चारों तरफ घने लंबे पेड़ और बीच से ये चट्टी नदी आपको काफी मनमोहित कर देती है। और अभी तो सर्दियां जस्ट शुरू हुई हैं। टू बी फ्रैंक, दैट इज द बेस्ट सीजन इफ यू वांट टू एंजॉय द फ्लोइंग वाटर। पानी काफी साफ था और हम सभी लोगों ने काफी एंजॉय किया। हमारे मैक्लूस्कीगंज का सफ़र इसके बाद ख़त्म होता है। बट आप कभी मैक्लूस्कीगंज आना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर ध्यान रखिए। यहाँ स्टे के ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हैं। वैसे तो हम तिरकी हेरिटेज हाउस में रुके हुए थे, बट अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे रानास कंट्री कॉटेज, गॉर्डन गेस्ट हाउस, ड्रीम डेस्टिनेशन, बेटर पहले से बुक करके आएं। यहाँ ATMs के अवेलेबिलिटी का भी चैलेंज है। इमरजेंसी में आपके पास पोस्ट ऑफिस से कैश विद्रॉ करने का ऑप्शन है। लोकल ट्रांसपोर्ट फॉर हायर इज अनदर चैलेंज, इसलिए बेहतर है आप यहाँ अपने खुद के टू व्हीलर या फोर व्हीलर में ही आएं। That's it friends, हम फिर लौटेंगे with more informative and exciting vlogs. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.